लेकिन बाजरी बीमारियां कल्ब की हैं। और जब कल्ब बीमार होता है, रूह बीमार होती है, तो कल्ब घर किसका है? है अल्लाह का घर है। वो जात कौन सी जात है? इज्जत वाली, कुद्दूस, पाकीजा। कि ऐसी पाकीजा जात जिसकी वजह से पाकीजगी होती है, कि जिसकी वजह से पाकीजगी है, ऐसी पाकीजा। तो उसको दिल में बुला रहा है उसमें, जो इसमें गंद भरा हुआ है, जो मरीज है, कैसे आएगा? तो ये रूहानी बीमारियां जो हैं, फिर इनको निकालने का नाम ही सुलूक। आई समझ में बात? लेकिन अगर हमारी खसाइल रजीला हमसे नहीं निकलती, तो हमारा सारा जिक्र वही है कि जिसका नतीजा गैर मकबूल इनाम वाला नहीं है। इनाम गोया है क्या चीज? इनाम जो चीज होती है वो मुझसे बेहतर होगी तो इनाम होगा ना मेरे लिए, लेकिन अगर मेरे से कमतर है तो इनाम कैसे होगा मेरे लिए? तो इसका मतलब ये है कि मेरा कल्ब अगर ऐसा मुजल्ला हो जाए कि मेरे रब की तजल्ली इसमें जहूर कर जाए तो इनाम हो गया। फिर मैं उसी रास्ते पर हूं जो इनाम याफ्ताओं का रास्ता। और ये तजल्ली अगर एक बार जहूर कर जाती है, फिर कयामत तक क्या कभी भी वो कल मुकद नहीं होता, फिर उस कल में कभी खराबी पैदा नहीं होती। आई ना समझ बात? क्योंकि जिस दरख्त की जड़ को जला दो, वो दरख्त दोबारा निकलता है? नहीं निकलता। तो जब इस दरख्त पे तजल्ली हो जाती है ना उसकी, फिर कभी कोई बुराई उद नहीं करती उसमें, और वो बिल्कुल शफाफ हो जाता है। फिर वो उस मकाम में ला में चला जाता है कि हक के सिवा कुछ नहीं रहता।